हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया। साम्राज्य तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो प्रभु यीशु के, प्रशंसा हो प्रभु यीशु मन के बीच में ताराई मध्य बीच मधु संगी मैं चिड़ियों का सुन पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं झरने बहते लगती शीतल वायु प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की महा प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की महा। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है मरण से कि क्रूस पर उसने मेरे पास अब लेकर रख पाया कि मेरा हो प्रशंसा हो प्रभु यीशु की महा प्रशंसा हो प्रभु यीशु की मसीआवे राशका मुझे लेगा जहाँ आनंद माए मैं छूटूंगा भक्ति दीता प्रभु के नामा प्रशंसा हो प्रभु यीशु की महा कितना महा प्रशंसा हो प्रभु यीशु की आइए हम अपनी इबादत में आगे बढ़े और आप मेरे साथ निकालें भजन 146 साम 146 आप मेरे साथ निकालें पेज नंबर 762 पर है भजन 146 साम 146 पेज नंबर 762 पर है पेज नंबर 762 साम 146 भजन 146
हम इस भजन को एक साथ पढ़ें। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति। याहे की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उधार करने की भी प्राण निकलेगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक यकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। मैं आकाश और पृथ्वी पर और समुन्दर और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिछे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। ये सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। याहे की स्तुति करो। आमीन। जैसे दिदाने हुए है आपी और राहे की हमेशाता। आमीन आमीन। आइए थोड़ा वक्त हम लोग दुआ में रहें, खुदावंद का शुक्र करें आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा, अपनी नजदीकी में अपने प्रेम में बनाए रखा। तो खुदावंद का शुक्र करें आज की जिंदगी और आज की सांस के लिए कि हम उसकी पाए जाते हैं। हम लोग प्रार्थना करें अपनी कलीसिया के लिए, प्रत्येक खानदान के लिए, परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, और विशेष जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, कमजोरी में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको चंगा करे। और मैं आग्रह करता हूं भाई साहब से कि जो प्रार्थना के विषय है उनको शेयर कर दें। भाई साहब दुआ करें। आज बर्थडे है तान्या जॉर्ज का, तान्या जॉर्ज उसका बर्थडे है, और दुआ करें उन बच्चों के लिए जो आज अपने एग्जाम्स को लिखने जा रहे हैं नीट के, एमबीबीएस के लिए। अंशुल मैसी और एंड्रू मैसी, ये दो हमारे चर्च के बच्चे हैं। मेरे को यही ध्यान में आ रहे हैं, अगर और भी कोई हो सकता है तो उनके लिए भी हम दुआ मांगे कि खुदावंद इन बच्चों को सफलता दे और ये बच्चे इन प्रोफेशंस में जाएं और सेवा करें और अपने और अपने परिवार के लिए और कलीसिया के लिए बरकत का दुआ करें। आज एक रिक्वेस्ट और आई है मिसेस शीतल सेठ के लिए। शीतल सेठ जो मिस्टर जसविंदर सेठ की वाइफ हैं, इनको फेशियल पैरालिटिक अटैक हुआ है, इनके लिए दुआ करें। और हमारे चर्च का एक जवान है जिसकी कल शादी है और वो लोग अपने इंतजाम से शादी कर रहे हैं, पर ये मजबूरियां हैं, है ना। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बहुत लोगों की एंगेजमेंट्स हो चुकी हैं, प्लानिंग्स हो चुकी हैं, तो एलियास की कल शादी है। आप इस बच्चे के लिए, जवान के लिए दुआ करें कि ये इस काम पर, इस शादी पर परमेश्वर की बरकत हो। और मैरिज और चर्च बुकिंग्स के लिए वो मुझसे या आपसे कॉन्टेक्ट करें, हमारे चर्च के लोग, क्योंकि अब जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, अक्टूबर में हम चर्च को खोलेंगे, तो कई लोग बाहर जा रहे थे या हम उनको दूसरी सलाहें दे रहे थे, पर अब वो दोबारा से हमसे बात कर सकते हैं और हम उनसे आज की परिस्थिति के मुताबिक फिर बात करेंगे।
तो आप इन सभी शादियों के लिए, करीब 10 शादियां हैं, तो उनके लिए आप दुआ करें आने वाले महीनों में, और चर्च की रीओपनिंग के लिए भी दुआ करें। चर्च की रीओपनिंग की जो मीटिंग्स हो रही हैं रीजनल कॉन्फ्रेंस के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, हमारी जॉइंट कमेटी, हमारे चर्च की और हमारी पास्टर कमेटी की मीटिंग्स जो अभी इस हफ्ते में होने जा रही हैं, उनके लिए भी आप लोग दुआ करें। और इसके साथ साथ जो पुराने हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जैसे मिस्टर और मिसेस अखाई और दीपक एडवर्ड अभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी दुआ करें। और साथ साथ में दुआ करें नथानियल पीटर साहब के लिए, नथानियल पीटर साहब के लिए। और एक अभी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है अभी अभी एसएमएस के जरिए, मिसेस रोजी जॉनसन, जो आज उनका जन्मदिन है, तो उनके लिए दुआ करें। मिसेस रोजी जॉनसन, और वो शायद आज वो रोजाना बैठती हैं, हाँ रोजी जॉनसन, अब नाम मुझे नहीं पता पड़ रहा उनका क्या है, तो आप उनके लिए दुआ करें। मिसेस लोइजा तिवारी के लिए भी दुआ करें, है ना, वो भी आज हमारे बीच में, उनके हस्बैंड बैठे हुए हैं, वो आ जाती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं, उनको भी स्टमक पेन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि उनके लिए दुआ करें। और कई बार आप मुझे फ़ोन करते हैं जब मैं कहीं आ जा रहा होता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, पर अच्छा होगा आप एसएमएस या व्हाट्सएप से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिया करें, मैं वो चैप्टर्स, वो पेजेस घुमा रहा हूँ तो देख लूँगा कोई और रिक्वेस्ट है। आज अमिता, उनका बर्थडे है आज, कल उनके हस्बैंड ने फोन किया था, तो उनका बर्थडे है, अमिता सेला, ये बैठी हुई सामने, हाँ अमिता मुस्कुरा रही है, ये अमिता, इनका जन्मदिन है। और ओके या गैलरी भी आने दो अब, तो आप मुझे एसएमएस या मेरे को या पादरी साहब को, रेवरेंड संदीप को कर दिया करें, ताकि जब हम दुआ के लिए बैठते हैं तो उस वक्त जब हम खोलें तो हमारे सामने लिस्ट आ जाए। और बाकी सब अब ये विदाउट वीडियोस हैं। मास्क लगाने के लिए कहा है, पर आप जूम ऐप पर इतना बड़ा मास्क मत लगाओ कि चेहरा ना दिखाई दे, ओपन योर वीडियोस ताकि पता पड़े। तो ये लोग हैं, इनके लिए आप दुआ करें। पादरी साहब, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं और खुदावन का शुक्र करें जिनके जन्मदिन है और जिनके बीमार है, कमजोर है, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना, को फीवर है, प्रार्थना करेंगे खुदावन उनको चंगा करे। और भी बाकी जो नाम भाई साहब ने शेयर किए हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना। अरहीम आसमानी बाप, हम बड़े आदर के साथ प्रभु अपने सरों को तेरे सामने झुकाते, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं तू ही हमारा सृष्टि करता है, हम सबको रचने और बनाने वाला है, हमारी जिंदगी, हमारे जीवन प्रभु तेरे अधिकार में, तू ही हमारी जिंदगी को बढ़ा रहा है और तेरे रहम से ही प्रभु हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु जब हम संसार की ओर देखते हैं, हालातों की ओर देखते हैं प्रभु, बीमारियों की ओर देखते हैं, तो हम इसी बात को पाते हैं प्रभु कि आज हम जीवित और सुरक्षित हैं, इबादत में पाए जाते हैं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरे रहम की वजह से। आज हम अपने खानदानों में, अपनी खुशियों में बने हुए हैं प्रभु तेरे रहम की वजह से। और प्रभु तेरा रहम जो सदा का है, जो हमेशा का है प्रभु, और हमारे साथ बना रहता है प्रभु। हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु तेरी अपार करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, जो जिंदगी के हर हालात में प्रभु हमारे साथ बना रहता है। क्योंकि प्रभु हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं प्रभु, यहाँ पर हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, यहाँ पर हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, यहाँ में कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभु वहां पर तू हमारे लिए खड़ा होता है, वहां पर तू हमारे लिए रास्ते खोल देता है। यहाँ पर हम निराश होते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं प्रभु, वहां पर तू हमारे हाथ को थाम लेता है और उन वचनों को बोलता है कि अभी तुम्हें और आगे बढ़ना है। प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब भी प्रभु हम फिसलने लगते हैं, जब भी हम थोड़े से कमजोर पड़ने लगते हैं, जब भी हम अपने विश्वास में कम होने लगते हैं प्रभु, तो तू अपने लोगों को थाम लेता है।
और प्रभु फिर से उन्हें आगे बढ़ाता है। हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु कि हम तेरी हिफाजत में, तेरी सुरक्षा में और तेरे रहम में पाए जाते हैं। नहीं तो प्रभु तेरा कलाम कहता है कि मनुष्य तो मिट्टी है और एक वक्त आता है कि वो मिट्टी में ही मिल जाता है। मनुष्य फूल के समान है, जैसे फूल सुबह खिलता है शाम को मुरझा जाता है। कहता है कि मनुष्य तो मिट्टी है और एक वक्त आता है कि वो मिट्टी में ही मिल जाता है। मनुष्य फूल के समान है, जैसे फूल सुबह खिलता है शाम को मुरझा जाता है। यही मनुष्य के जीवन की सच्चाई है। लेकिन जो बात हमें खुशी और तसल्ली देती है कि हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता, वो हमारी शुद्धि लेता, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है, हमारी खुशियों को, हमारे खानदानों को बनाए रखता है। प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र गुजार हैं प्रभु जिनके आज जन्मदिन है। मिसिस अमिता सेला के लिए, तानिया जॉर्ज के लिए, मिसी रोजी जॉनसन के लिए प्रभु जिनके आज जन्मदिन है प्रभु, हम खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। क्योंकि प्रभु तू ही है जो हमारी उम्र को बढ़ाता है, उम्र की दराज की देता है, हमारी हर एक बरकत को प्रभु तू मामूल करता है, हर एक बरकत को बनाए रखता है, हमारी जिंदगी और हमारे जीवन को बनाए रखता है। प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, जैसे पिछले वर्षों में संभाला है, अपनी हिफाजत में, अपनी निगाहबानी में बनाए रखा है, हर बीमारी, परेशानी, कमजोरी से बचाया है। खुदावंद हमारी प्रार्थना है कि नया वर्ष प्रभु तेरे लोगों के लिए, बाकी हर एक जरूरत प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी हो, इनकी खुशियां प्रभु, इनकी बरकतें प्रभु बनी रहे और भी बहुतान से प्रभु आपकी नजदीकी में बढ़ सके। जिनके आज जन्मदिन है प्रभु, हम इन सबको तेरे नाम से ब्लेस करते हैं, बरकत देते हैं और खुदावंत उससे प्रार्थना करते हैं कि जो वर्ष प्रभु आपने उनकी जिंदगी और जीवन में जोड़ा है, खुदावंत उससे प्रार्थना है जो भी प्लानिंग और योजनाएं प्रभु इस नए वर्ष में बनाते हैं, खुदावंत वो सारी प्लानिंग और योजनाएं तुझमें सफल हो और ये खानदान, ये परिवार प्रभु सबको प्रभु तो अपनी नजदीकी में लिए। मिस्टर नेथानियल पीटर के लिए, मिसेस शीतल सेठ के लिए प्रभु जो बीमार हैं, परेशानी में हैं, मिसिया मिस्टर अखाय हैं, मिसिया मिस्टर दीपक एडवर्ड है प्रभु, और भी तमाम लोग हैं, मिसेस तिवारी है, हम सबको प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ये वो लोग हैं प्रभु जो अलग अलग तरीके से सफर कर रहे हैं, बीमारियों में होकर गुजर रहे हैं और इनका भरोसा है प्रभु कि जब हम उनके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे तो तू चंगा करेगा। और सचमुच प्रभु आपने भी कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हम खुदावन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में नहीं भी जानते, उनको भी प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। क्योंकि प्रभु हम सब जानते हैं कि तुझ वो लहू छिड़के जो शिफा देता है, ताकि हर एक बीमारी, कमजोरी, निर्बलता खुदावन तेरे नाम से दूर हो, ताकि तेरे लोग प्रभु अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें और अपनी जिंदगी में प्रभु आगे बढ़ सके, उनकी खुशियां प्रभु, उनके खानदान, उनके परिवार बने रहे, और जो कमजोरी है, बीमारी है खुदावन, उसमें भी वो तेरा धन्यवाद और तेरी शुक्रगुजारी करें, अपनी निगाहों को, अपनी दृष्टि को तेरी ओर लगाए रखें। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जब हम ऐसी परिस्थितियों में होकर गुजरते हैं जो हमारी समझ, हमारी सोच से परे, जिसके बारे में प्रभु हम सोच भी नहीं सकते, यहाँ पर हम अपने आप को महसूस करते हैं कि चारों तरफ से रास्ते से बंद हो गए, वहां प्रभु हम अपनी निगाहों को तेरी ओर उठाते हैं और तेरी मदद हमें मिलती जो स्वर्ग से आती, और उसी मदद को पाकर प्रभु हम अपनी जिंदगी और अपने जीवन में फिर से ये तेरी तसल्ली, तेरा इत्मीनान और तेरी शांति चाहते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु, एक एक तकलीफ, एक एक बीमारी खुदावन तेरे नाम से दूर होने पाए। हमारी दुआ है प्रभु उन बच्चों के लिए जिनके MBBS के एग्जाम है, सेमिस्टर एंड्रयू मैसी है, और भी बच्चे हैं प्रभु जो अपने एग्जाम को लिखेंगे, ऑनलाइन देंगे, खुदावन हम सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु जो उन्होंने मेहनत करी है, भाग दौड़ करी है, प्रयास किया है खुदावन, उनकी सारी मेहनतें प्रभु तुझमें सफल होने पाए, अपने एग्जाम को प्रभु वो अच्छे से लिख सके और आने वाले समय में प्रभु देश के अच्छे नागरिक बने, उनके सारे सपने पूरे हो और प्रभु कलीसिया के मजबूत खंबे बने और तेरी सेवा और तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल किए प्रभु, उनको तेरी ओर से समझ और ज्ञान मिले ताकि वो अपने एग्जाम में प्रभु सफल हो सके। हमारी दुआ है प्रभु उन नौजवानों के लिए जो आने वाले दिनों में प्रभु शादी करेंगे, हम उन बच्चों को, नौजवानों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु रखना, और जो घर वो बना रखत और तेरा अनुग्रह बना रहे, ताकि उस नए घर के जरिए प्रभु, नए जोड़ों के जरिए आपके नाम को महिमा मिले, आपके राज्य का काम बढ़े और आपकी मर्जी प्रभु उनके जीवन से पूरी होने पाए, जो भी उनकी जरूरतें हैं खुदावन वो भी तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए, और जो बच्चे, जो नौजवान प्रभु अपने
जीवन साथी की तलाश में है खुदावन, उनके लिए भी आप इंतजाम करें, उनके लिए भी प्रभु अपने वक्त को अपने समय को लाएं, ताकि प्रभु तेरे वक्त समय का इंतजार करते हैं कि तू अपने लोगों को उत्तम पदार्थों से भरता है। हमारी दुआ है प्रभु तू अपने लोगों के विश्वास को बढ़ाना, उन्हें ऐसी समझ देना प्रभु, ताकि हर प्रयास में हर मेहनत में प्रभु वो तेरी ओर देखें, क्योंकि इंसान तो योजनाएं बनाता है प्रयास करता है लेकिन प्रभु सफल तू करता है। हमारी खुदा है उनको प्रभु तेरी ओर से समझ और ज्ञान मिले, ताकि कलीसिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम चर्चेस को खोल सके और जो गवर्नमेंट के रूल है प्रभु, जो उनकी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हम चर्चेस को खोल सके, ताकि हम मिलकर प्रभु तेरे भवन में आकर तेरे मंदिर में आकर प्रभु जो तेरे नाम के लिए अलग किया गया, हम मिलकर प्रभु तेरा धन्यवाद और तेरी शुक्रगुजारी से महीनों में इन हालातों में भी परमेश्वर का रहम उसका अनुग्रह उसकी बरकत हमारी जिंदगी और हमारे खानदानों में बनी रही, ताकि प्रभु से गवाही मिलने पाए। इस समय हमारी प्रार्थना है हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए, तमाम डीएसएस के लिए, पासवानों के लिए, अगुओं के लिए, हमारे तमाम लीडर्स के लिए, हम सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु आप उनकी खुशियों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को बनाए रखना और जो जिम्मेदारी जो सेवा के काम प्रभु हमारी मदद करना, ताकि हम तुझमें होकर बड़ी ईमानदारी के साथ विश्वास योग्यता के साथ प्रभु उन जिम्मेदारियों को पूरा करें, ताकि हमारी जिंदगी हमारे जीवन प्रभु तेरे काम आ सके, तेरे लिए खर्च हो सके और तेरे राज्य का काम प्रभु और भी बढ़ सके। अपनी कलीसिया के लिए, प्रत्येक खानदान और परिवार के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु कलीसिया प्रभु जो सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च के नाम से जानी जाती है, तेरे लोग हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं खुदावन, तुझसे प्रार्थना है ये कलीसिया एक एक खानदान एक एक परिवार एक एक मेंबर प्रभु तेरी दृष्टि में तेरी नजर में आ रहे, ताकि हमारी कलीसिया प्रभु सांसारिक आशीषों बरकतों के साथ साथ रूहानी बातों में आत्मिक बातों में द्वार इबादत की बातों में बढ़ती चली जा सके और ये कलीसिया प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो। जो बीमार हैं जो सफर कर रहे हैं खुदावन उनको तेरी तरफ से चंगाई और शिफा मिले, जो कमजदा खानदान है प्रभु उनको भी हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु उन्हें तसल्ली देना इत्मीनान और शांति देना प्रभु और जो स्थान खाली हुआ है प्रभु उसे अपनी उपस्थिति से भरना। सारी बातों के लिए आज की फेलोशिप और संगति के लिए और तेरे प्रेम और तेरी करुणा के लिए जो जिंदगी के हर क्षेत्र में हमारे साथ बनी रहती है तेरा शुक्र करते हैं और जब प्रभु हम तेरे कलाम की बातों को सुनते हैं प्रभु हमारी रूहों को हमारे मनों को तैयार करना और जो बातें प्रभु तेरे कलाम को सुनने में बाधा बनती है उन सारी बातों को खामोश करना, ताकि प्रभु हम आत्मा रूह में होकर तेरे कलाम की बातों को सुने और शैतान हमारे ध्यान को भटकाने ना पाए और जो बातें हम हमारे जीवन का हिस्सा बने उन बातों को हम जी सके। कि आज भी संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं प्रभु जो तुझे जानते हैं जो तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे लोगों में प्रभु तेरी तस्वीर को तेरे आचरण को तेरी बिहेवियर को प्रभु देखना चाहते हैं। ने दो भागा जंगल में मार को निकाला जो वायदों को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदों को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, लाजर को जिसने जिलाया जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
परमेश्वर के कलाम को सुने और मैं आग्रह करता हूं अपने सीनियर बाजबान साहब से कि वो परमेश्वर के कलाम को हमारे साथ शेयर करें। आज से हम भजन संहिता शुरू करेंगे। पहले कुछ समय पहले हमने प्रकाशित वाक्य को लिया और प्रकाशित वाक्य भी एक ऐसी पुस्तक है जो बहुत इंटरेस्ट की है और लोग उसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कई लोग समझाते भी हैं। मेरी आवाज ठीक है? जी मैं सब ठीक। थैंक यू। तो जब वो समझाते हैं तो उनके अपने इंटरप्रिटेशंस होते हैं, अपनी बातें होती हैं और कई बार हम उस पुस्तक के जो असली मत और एक चिंता और एक घबराहट सी में पड़ जाते हैं जो बिल्कुल भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का उद्देश्य नहीं या बाइबल का ये उद्देश्य नहीं कि हमको चिंता में, हमको फिक्र में, हमको घबराहट में, हमको डर में, हमको मायूसी में डाले। हाँ, बाइबल हमें
जरूर सिखाती है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, उसके वचनों पर चलें। और परमेश्वर वो भी जानता है कि ऐसी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां और बहुत तकलीफें आती हैं जो कई बार इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो परमेश्वर की राह से भटक जाता है। पर एक तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसको संभालने की, थामने की कोशिश करता है। जैसे वो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया एक गडरिये का, एक शेपर्ड का, जिसके पास 100 भेड़े थी और 99 निकल जाती हैं, एक रह जाती है और फंसी भी होती है। और किसी आर्टिस्ट ने एक बड़ी अच्छी तस्वीर उस दृष्टांत की बनाई है कि कैसे वो ढाल पर एक झाड़ी में वो जो मेमना है, जो भेड़ है, वो फंसी हुई है और उस घाटी में, उस पहाड़ी के जो नीचे घाटी है, उस घाटी में, उस वैली में चील उड़ रही है। और अब हमने काफी डिस्कवरी चैनल और यूट्यूब पे देखा है कि चील हिरन का भी शिकार कर लेती है, हिरन को भी अपने पंजों से पकड़कर लेकर उड़ जाती है। तो ये सच्चाई है कि चील भी एक बहुत बड़ा खतरा है और ये खतरा उतना ही है जितना शेर या किसी और ऐसे जानवर से आ सकता है। तो वो चील उड़ रही है और वो कांटे हैं, वो झाड़ियां हैं जिसमें ये भेड़ फंसी हुई है और वो जो चरवाहा है वो अपने हाथ को बढ़ा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको छुड़ा सके। तो ये जो दृष्टांत है ये उम्मीद दिलाता है कि गॉड विल डू हिज अटमोस्ट टू सेव यू, गॉड विल डू हिज अटमोस्ट, वो हदें भी पार करेगा। He will cross boundaries. He will cross borders to come and save you. और ये सिर्फ उस दृष्टांत में ही नहीं है बल्कि उस प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने में है। God crossed all boundaries and all borders which separate human beings from his creator. अटमोस्ट, तो ऐसे ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है जो हमारे भीतर, हमारे अंदर है ना, परमेश्वर की ओर जागरूकता और ये बताना कि इतिहास परमेश्वर के कंट्रोल में है। ये बेबीलोन, ये रोम, ये अश्शूर, ये मिस्र, ये लोग कंट्रोल नहीं करते इतिहास को। जैसे आज कई हम में से इंसान समझ रहे हैं कि चाइना और अमेरिका कंट्रोल करता है संसार के इतिहास को। ये होता है, ये फीलिंग्स आती हैं कभी कभी, बट इट इज नॉट सो। नीदर चाइना रूल्स द वर्ल्ड एंड नीदर अमेरिका रूल्स द वर्ल्ड। This world is ruled and governed by God. परमेश्वर है इसका मालिक, परमेश्वर है इसका राजा। और ये सारी बातें हम सभी ने इन दिनों में बड़े अच्छे तरीके से सीखी हैं इस पैंडेमिक के समय में। कितने भी ताकतवर लोग क्यों ना हो जाएं, पर जो राज्य है वो परमेश्वर का है। सृष्टि जो है परमेश्वर की है और परमेश्वर ही इस पर रूल करता है। गिव टाइम एंड यू विल सी, समय दो थोड़ा सा और फिर देखोगे। एक समय था विश्वासियों के जीवन में जब नबूकदनेज़र राजा ने, जो बाबुल देश का था, उसने चढ़ाई करी थी यहूदा पे और क्या नाश किया था इन लोगों का। मैंने आपको कहा था लैमेंटेशंस पढ़ने के लिए, और वहां पर जो दुर्दशा बताई गई है विश्वासियों की, उनके भवन की, उनके शहर की, शहरपना की और उनके जीवन की, जैसे किसी स्त्री का एक गैंग रेप हुआ हो। गैंग रेप,
का विक्टिम, वैसा ही सा एक इमेज वहां बनाई जा रही है लैमेंटेशंस की पुस्तक में, विलाप गीत में। और वो लोग नबूकदनेस्सर राजा, और उसमें इतना घमंड आ गया था कि वो अपनी जगह जगह मूर्तियां बनवाता था और आदेश दिलवाता था कि जब भी तुम वो तुरही है ना, वो बिगुल को सुनो, बिगुल होता ना, आज बिगुल है जो आर्मी में ट्रम्पेट, जब भी तुम शहर में उसको सुनो तुम उस मूर्ति के सामने दंडवत करोगे। और मूर्ति किसकी? वो नबूकदनेस्सर राजा खुद की। और उसी ही पुस्तक में हम देखते हैं कि एक समय था कि वो एक जंगली जानवर की तरह घास खा रहा होता है, पागल हो जाता है, ही बिकम्स मैड, पागल हो जाता है, जिसे कहते हैं क्रेजी। और ना वो रहा, ना उसका राज्य रहा, ना उसका बेटा रहा, ना उसका देश रहा, और कोई और देश ने चढ़ाई करके, इट्स द वर्ल्ड, ये दुनिया के इतिहास में देखिए, आज ये है पावर में तो कल वो होगा, परसों वो होगा, कोई भी शख्स नहीं है जो स्थाई है। हमारे इंडियन हिस्ट्री में आप देख लीजिए, एम्पायर के पीरियड्स रहे, अशोक की डायनेस्टी, फिर ऐसे और भी चंद्रगुप्त और बहुत सारे हैं, मेरे को सीक्वेंस में नाम तो नहीं मालूम, पर इतिहास में, भारत के इतिहास में देखा है कि भारत में भी लोग आए और गए, इन्वेडर्स, अलेक्जेंडर भी आया पंजाब तक, चला गया, फिर उसके बाद इन्वेडर्स में इस्लाम के लोग आए, बहुत सारे, इस्लाम पहले यहाँ नहीं था भारत में, आज उसकी निशानी है कि वी हैव अ मुस्लिम इस्लाम कम्युनिटी। उसके बाद पोर्चुगल से लोग और इंग्लैंड से लोग आए, उनकी निशानियां आज भी हैं, जो हम हैं, चर्चेस, क्रिश्चियंस, वो भी आए और गए, ब्रिटिश एम्पायर केम एंड वेंट। उसके बाद लीडरशिप इंडिया की, आज इसके हाथ में, कल उसके हाथ में, और आगे आने वाले समय में ना जाने किसके हाथ में, और फिर एक समय ऐसा आता है कि किसी के हाथ में नहीं, आपस में लड़ मर के सबको खत्म कर दिया, एक दूसरे को खत्म कर दिया। एंड दिस इज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ही वो आर्मेगेडन, वो हर्मगेडन जो लिखा है ना, द बैटल ऑफ आर्मेगेडन, कि जहां पर सारे राज्य इकट्ठा होंगे, नास्तिकता इतनी फैल जाएगी कि ये सब इकट्ठा होकर परमेश्वर से लड़ने के लिए आएंगे, और इतना घमंड, हर मकदौन की जो वो लड़ाई है, ऑल कमिंग टुगेदर। और ये जिक्र हमको बाइबल में पहले भी मिलता है, टावर ऑफ बैबल में, जहां पर लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने इतनी ऊंची मीनार बनाना चाहा कि वो परमेश्वर से बात कर सके, परमेश्वर तक पहुंच सके, ऊंचे पर पहुंच सके, टावर ऑफ बैबल। और वहीं से जो लिखा है भाषाओं का अंतर, इट्स अ वे टू एक्सप्लेन, शाब्दिक तौर पे लिटरली बिल्कुल ना लेने उसको, वो एक तरीका है बताने का कि इंसान ने अपने नॉलेज पर इतना घमंड किया कि उसने कहा कि मैं एक उतनी ऊंची मीनार बनाऊंगा जो स्वर्ग तक पहुंचेगी, एंड आई विल टॉक फेस टू फेस विद गॉड, क्योंकि उस वक्त का विश्वास था कि परमेश्वर पवित्र, अति पवित्र, अति महान पवित्र, वो ऊंचे पर है और संसार से उसका कोई लेना देना नहीं, वो यहाँ पर नहीं आ सकता। इसलिए यहूदियों को बड़ा मुश्किल हुआ था इस बात पर ईमान लाने के लिए कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर खुद संसार में उसने मनुष्य का रूप लिया, धारण नहीं किया, उसने रूप लिया, ही बिकेम अ फुल मैन। तो ये बड़ा मुश्किल था उन लोगों के लिए समझना। तो ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और अब भजन संहिता, ये भी एक ऐसी पुस्तक है जो हम सबको बहुत अच्छी लगती है, और हम इसे पढ़ते हैं, इस पर ध्यान करते हैं, और फेवरेट है सभी चर्चेस की, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्च हो, चाहे प्रोटेस्टेंट चर्च हो, प्रोटेस्टेंट चर्च में कोई सा भी चर्च हो, बिना इसके कोई इबादत हमारी पूरी नहीं होती है ना, भजन संहिता। और हमें भी भजन संहिता बड़ा अच्छा लगता है,
कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो भजन है ये मेरे दिल की बात बोल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है ना, जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ बिल्कुल यही तजुर्बा मेरा है, द सेम फीलिंग आई हैव। तो आइए हम भजन संहिता की पुस्तक को आज शुरू करें, 150 भजन इसमें है। अब दुआ करें कि खुदावंद ताकत दे कि हम इन सारे भजनों को हम डिटेल में लें, पर बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जा सकते, बट यस इन डिटेल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द बुक ऑफ साम्स। तो आप भजन संहिता की भूमिका निकालें, इंट्रोडक्शन, ये हिंदी की बाइबल में है पेज नंबर 653 पर। भजन संहिता विशेषकर बाइबल के भजनों की पुस्तक और प्रार्थना की पुस्तक है। अब ध्यान से, भजनों की पुस्तक और प्रार्थना की पुस्तक है। ये भजन और प्रार्थनाएं विभिन्न लेखकों द्वारा एक लंबी अवधि के दौरान लिखे गए हैं। इन्हें इजरायली लोगों ने संकलित किया था और वे परमेश्वर की आराधना के लिए इनका उपयोग किया करते थे। अंततः यह संग्रह उनके पवित्र शास्त्र का अंग बन गया। तो ये इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत लंबा लंबा एक पूरा एसे लिख दें एसएमएस में या व्हाट्सएप में, आप चुन चुन के शब्दों को लिखते हैं। तो यहां पर इस भूमिका में जो बताया गया है इसके बारे में, ये भजनों की पुस्तक है, भजन है, भजन कीर्तन जो गाते हैं, और ये प्रार्थनाएं भी हैं, ये दो बातें। अब जब बात बोली गई भजन की, नाउ यू इमेजिन अ सेटिंग ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, भजन 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 जैसे हम करते हैं, गाते हैं, और जब भजन गाते हैं तो उन भजनों में हम, उनका मतलब जब होता है जब हम लौलीन हो जाते हैं, बिल्कुल खो जाना। कई ऐसे गीत हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर हमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे यीशु कैसा दोस्त प्यारा, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है। और कहा जाता है कि ये गीत एक शख्स ने लिखा जब उसकी होने वाली वाइफ फियांसी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो पानी के जहाज के एक्सीडेंट में, शिपरैक में वो लड़की मर जाती है, और उसने उस समय इस गीत को लिखा। और जैसे अबाइड विद मी है ना, एक फेमस गीत है, और गांधी जी का ये फेमस हिम था जो उन्होंने, जो आजकल बीटिंग रिट्रीट पे भी गाया जाता है, रह मेरे साथ। जो इसका लिखने वाला है, मुझे नाम तो उनका याद नहीं, पर उस घटना को, वो घटना मालूम है कि एक समय था ट्यूबर क्लोसिस जानलेवा, जैसे आज कैंसर जानलेवा बीमारी है, ऐसे ही एक वक्त ट्यूबर क्लोसिस टीबी जानलेवा था, उसका इलाज नहीं था, लाइलाज। और उस शख्स को, शायद वो मिनिस्ट्री में था या नहीं मुझे इतना नहीं मालूम, पर वो हाँ एक विश्वासी था, उस वक्त उसने इस गीत को लिखा, रह मेरे साथ जल्द हुआ चाहे थी शाम। मतलब एक जीवन की, जीवन जो है ढल रहा है, शाम है, पता पड़ रहा है कि अब जल्द ही रात आने वाली है। तो उसने उस अपने बीमारी के बिस्तर पर से इस गीत को लिखा है। और टीबी के जो पहले हॉस्पिटल्स वगैरह हुआ करते थे वो शहरों के बाहर होते थे, और जो हमारे मिशन स्टेशंस के जो टीबी के सैनिटोरियम्स हॉस्पिटल्स बने हैं शहरों से बाहर, जैसे हमारे मैथरिस्ट चर्च का, हमारे डेली कॉन्फ्रेंस का एक टीबी का हॉस्पिटल है मदार में, वो अजमेर से पहले बिल्कुल बाहर था, अब अजमेर पहुंचते पहुंचते मदार तक पहुंच गया, वो बात फर्क है। और ये टीबी हॉस्पिटल्स बिल्कुल बाहर हुआ करते थे दिल्ली, मतलब जैसे दिल्ली के शहर से बाहर, महरौली एक इलाका है,
किंग्सवे कैंप, हालांकि आजकल ये दिल्ली के बिल्कुल बीच में आ गए हैं। किंग्सवे कैंप वो जगह है जहां पर शरणार्थियों को जो पाकिस्तान से आए थे 1947 में, उनको जगह ही दी गई थी, तो उसको कैंप बोला गया, कैंप जहां कैंप लगे थे उन रेफ्यूजीज के। और बहुत बीमारी उस वक्त ये फैली थी टीवी, तो एक समय था, तो वो जो गीत है वो उस मौके पर लिखा गया। तो ये जो संग्रह है ना, ये भजन संहिता, भजन और प्रार्थनाएं है ना, फिर अगला लाइन है इसका, ये भजन और प्रार्थनाएं विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। हम कई बार बोलते हैं भजन संहिता पूरा दाऊद ने लिखा है, ऐसा नहीं है। इसमें यर्मिया के वक्त के भी भजन है, यर्मिया जो दाऊद के समय के बाद था, दाऊद के समय तो गोल्डन पीरियड था, एक सुनहरा समय इज़राइल के लिए, पर जब ये बंधुआई में चले गए तो दाऊद नहीं था उस वक्त, दाऊद खत्म हो गया था। तो यर्मिया के समय के भी ये भजन है। तो विभिन्न लेखकों द्वारा, सारे दाऊद ने ही लिखे, विभिन्न लेखकों द्वारा एक लंबी अवधि, एक लंबे पीरियड में इज़राइल के विश्वास के सफर में ये गीत लिखे गए हैं। जैसे कई लेखक हमारे रहे, हमारे नॉर्थ इंडिया में एक पास्टर रहे रेवरेंड एहसान मसीह हमारे कॉन्फ्रेंस के, जिन्होंने गीत लिखे हैं अपने पूरे लाइफ स्पैन में, करीब 35 साल की अवधि में उन्होंने फरक फरक ओकेशंस पे गीतों को लिखा, जबरन एहसान मसीह और इनके भाई भी थे जो बरेली कॉन्फ्रेंस के थे। तो एक लंबी अवधि में ना इज़राइल के जीवन के फरक फरक मोड़ पे, दौर पे दाऊद ने और दूसरे लेखकों ने ये भजनों को लिखा है। लिखने वाला कोई भी हो सकता है, पर जो जिसने लिखवाया वो परमेश्वर, वो एक ही है। तो ये एक बात हमें समझनी है कि बाइबल में जो पुस्तकें हैं, जो बातें हैं, ये विभिन्न लेखकों ने लिखी हैं, पर लिखवाने वाला, जैसे तिमोथी में है लिखा हुआ है कि द होल वर्ल्ड इज इंस्पायर्ड, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर विश्वासियों ने इन लेखों को लिखा। द पर्सन बिहाइंड इज वन एंड ही कैनॉट देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ। जैसे एक शख्स है, आज वो एक गीत को लिख रहा है, आज एक विश्वास पर है, वो उस गीत और विश्वास में जो इंसान है वो बढ़ेगा, पर वो विपरीत इंसान तो हो सकता है, विपरीत भी हो जाए या उलट जाए। बट इट इज नॉट सो विद गॉड, गॉड इज इटर्नल, परमेश्वर अनंत है। जब मूसा ने नाम पूछा, उसने कहा मैं हूं, आई एम, मैं हूं, मतलब आई एम, I was, I am, I will be, मतलब I am, the whole eternity exists in me, तो आप मुझे किसी भी समय पर देखोगे, I'll be the same। ये नाम परमेश्वर ने अपना मूसा को दिया, I am, मैं हूं, I am, तो वो जो I am है, जो यहवे है, वो नहीं बदलता। तो एक अवधि, एक लंबी अवधि के दौरान लिखे गए हैं इन्हें, इजरायली लोगों ने संकलित किया, संकलित दे कंबाइंड, इनको विश्वासियों ने, इजरायलियों ने संकलित किया है, और वह परमेश्वर की आराधना के लिए इनका उपयोग किया करते थे। जैसे हमारे पास हमारे मेथडिस्ट चर्च की गीत की किताब है, ऐसे ही हर एक चर्च की, CNI का चर्च देखें, वहां पर उनकी अलग एक गीत की किताब हो सकती है, लूथरन चर्च की अलग है, कुछ गीत हमारे कॉमन है ना, लूथरन चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, CNI चर्च, CSI चर्च और बैप्टिस्ट चर्च, मेननाइट है, ब्रदरन्स है, गॉसनर लूथरन इवेंजेलिकल चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, मतलब कुछ कॉमन सॉन्ग्स, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस अक्सर हर एक डिनोमिनेशन में पाया जाएगा, हर डिनोमिनेशन में, और ना सिर्फ भारत में बल्कि तू पूरी दुनिया में और हर भाषा में। आप कोरिया में जाएं, वहां पर भी ये गीत है कोरियन लैंग्वेज में,
आप इंग्लैंड में जाए वहां पे इंग्लिश में है, आप अफ्रीका में जाए वहां पर अफ्रीकन लैंग्वेजेस में ये गीत होगा। स्लाइटली वेरिएशंस जो म्यूजिक में हो सकती हैं, पर लिरिक्स वही है। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और मुसीबत उठाने पर। तो ये गाना जैसे प्रभु महान, और अभी एक हमारी क्वायर ने पार्टिसिपेट किया था लीड ओ काइंडली लाइट, है ना, भारत की सारी भाषाओं में। तो कुछ गीत हैं जो काफी सालों से हैं और सदियों से हैं और हर भाषा में है, हर कल्चर में है, लोगों ने तसल्ली पाई है। इसलिए ये जो एक होता है ना, क्या कहते हैं, जो सेकुलर गाने होते हैं जो सिंगर्स गाते हैं डीजे वगैरह के लिए या मूवीज के लिए, तो चार्ट बस्टर्स बोलते हैं ना, टॉप 20 लिस्ट ऑफ अमेरिका या इंग्लैंड, है ना, बड़ा उनको समझते हैं। तो ये गाने आते हैं और जाते हैं, 70s के गाने आए और गए। आज के बच्चों को आप 70s-80s के गाने सुनाओ तो वो बोर हो जाते हैं, अगर जबरदस्ती करोगे तो उसको रिमिक्स कर देते हैं, मतलब उसमें ऐसी बीट्स डाल देंगे जो आज के बच्चों के, बट नॉट विद दीज सॉन्ग्स। कुछ गाने हैं जो कुछ कलीसियाओं के बड़े स्पेसिफिक हैं, जैसे हमारे यहाँ भजन है, मैं प्रेम हूं, है ना, प्रेम बनाता हूं, जय जय यीशु, जो गीत नंबर 630 है, बाइबल है प्यारी जिंदगी, वो जो हम एक अक्सर गीत गाते हैं, मनोरंजन अच्छा लीड करते हैं उसे। तो वो गीत हो सकता है हमारे मेथडिस्ट चर्च के स्पेसिफिक है, हमारी गीत की किताब में है और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और ये हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं बन जाते कि कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं होते, कोई कॉपीराइट भी नहीं होता, इट्स यूनिवर्सल। फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली यू गिव, बाइबल से कहती है हम इन गीतों को कॉपीराइट नहीं कर सकते, सर्मन्स को कॉपीराइट नहीं कर सकते, बाइबल की ट्रांसलेशंस को हम कॉपीराइट नहीं कर सकते। हालांकि कहा जाता है कि अगर आपको 20 से ज्यादा अगर कहीं पर कोट करना है तो आप एक बार परमिशन ले लीजिए पब्लिशर से, ताकि आप सही उसको कोट कर रहे हैं, गलत कोट नहीं कर रहे, बस उतने तक सीमित है, वो कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है। इट इज इंस्पायर्ड बाय गॉड एंड गॉड बिलोंग्स टू एवरीवन एंड एवरीवन बिलोंग्स टू गॉड, देयरफॉर व्हाटएवर कम्स फ्रॉम गॉड यू हैव फ्रीली रिसीव्ड एंड फ्रीली गिव। तो ये विश्वासियों ने ना संकलित इसको किया और वे परमेश्वर की आराधना के लिए इनका उपयोग किया करते थे। अंततः ये संग्रह उनके पवित्र शास्त्र का अंग बन गया। जैसे आज हमारी कलीसियाओं के लिए आपने देखा होगा कई बुजुर्गों को कि उनके पास एक बाइबल और एक गीत की किताब दोनों अपनी होती थी, और ये अच्छा भी है कि आपके पास अपनी बाइबल हो और अपनी गीत की किताब हो। और ये जो गीत की किताब में फिल्टर हो के, है ना, सदियों से ये गाने छन छन के ये रह गए हैं, क्योंकि इनमें वजन है, ये हल्के नहीं है, जैसे आए और चले गए। फिर ये दूसरा पैराग्राफ, ये धार्मिक कविताएं कई प्रकार की हैं, परमेश्वर की स्तुति है ना, परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर की आराधना के गीत है, सहायता और सुरक्षा के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थनाएं हैं, क्षमा प्राप्ति के लिए निवेदन है, परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद के गीत है, शत्रुओं को दंड देने की याचना है। ये प्रार्थनाएं व्यक्तिगत हैं और सामूहिक दोनों हैं। कुछ प्रार्थनाएं एक व्यक्ति की गहन भावनाओं को चित्रित करती हैं। अभी जो वर्ड है गहन, गहन का मतलब है बहुत गहरा, डीप, राइट फ्रॉम द हार्ट, कम्स फ्रॉम द हार्ट। और जो बात दिल से आती है वो दूसरे के दिमाग और दिल में दोनों में असर करती है, वो खाली नहीं जाती, इट अफेक्ट्स। एक तो है सिर्फ, कई पोएम्स भी हैं, है ना, हमारे सेकुलर वर्ल्ड में, नेशनल हिस्ट्री में,
जैसे ये गीत है वंदे मातरम, पता नहीं जब आप इस गीत को गाएं मेरे को तो महसूस होता है एक सुरसुरी सी लगती है ना, लाइक अजीब सी फीलिंग आती है, या नेशनल एंथम, अजीब सी आइडेंटिफिकेशन है उस गीत के साथ, इट टचेस योर हार्ट। जो उसमें खूबसूरती भारत की बयान की गई है, जो प्लूरलैरिटी प्लूरल है, विभिन्नता है ना, प्लूरल प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जो उसमें बताई गई है, मतलब हिमालय है एक तरफ, गंगा है, फिर साउथ इंडिया एक बिल्कुल फर्क है, ईस्ट इंडिया फर्क है, वेस्ट इंडिया, इट्स अ ब्यूटी है ना, मतलब ब्यूटीफुल पीस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये गहन है ना, ये कोई हल्के तौर पर नहीं लिखा किसी ने, लिख दिया और ये चल गया, ये गहन है, गहन भावनाओं को चित्रित करती है, चित्रित मतलब इमेजरी, इट मेक्स द रीडर टू इमेजिन। और खास तौर से जैसे एक भजन मुझे इस वक्त याद आता है, भजन 103, वो शुरू होता है ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। और वो जो गीतकार है, जो भजन का लिखने वाला है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर वो पूरे यूनिवर्स को बुलाता है कि आप सब मिलकर मेरे साथ परमेश्वर का धन्यवाद करो। मतलब उसको समझ नहीं आता कि सिर्फ मेरा धन्यवाद करना कैसे परमेश्वर के लिए काफी होगा, वो सबको बुलाता है। जैसे आपके घर में कोई खुशी हो तो आजकल जो गेस्ट लिस्ट है बड़ी टिकलिश होती है ना, आप बुलाना तो बहुत लोगों को चाहते हो पर मजबूरियां हो जाती हैं, पैसे की, जगह की, समय की, तो आप कुछ सेपरेट करते हो, सेपरेट ओकेजन्स पे बुलाते हो लोगों को, बट यू आर सो हैप्पी दैट यू गो बियॉन्ड योर बजट समटाइम्स। घर में आपने महसूस किया होगा ना, आप लिस्ट बनाते हो कि आपने प्लानिंग करते हो कि 100 लोगों को बुलाएंगे, पर जब आपकी लिस्ट खत्म होती है छांटते छांटते 400 लोग, मतलब वो खुशी इतनी बड़ी है कि आप उसको बांटना चाहते हो, और अगर आपके पास वो धन दौलत होती, वो जगह होती, तो आप सभी को बुलाते। तो ये गहन भावनाओं को चित्रित करती है, ना सिर्फ खुशी की बल्कि जो जो उदासी की है, जो मायूसी की है, जो परमेश्वर से रिश्ता टूटने की है, जो दुश्मन दुश्मन चाहे वो कोई देश रहा इसराइलियों का, या शैतान रहा, या आजमाइशें रही, पाप रहा, जब वो उनसे क्रश किए गए, तो दिल से है ना एक दुआ निकली है कि मुझे तू त्याग ना दे, अपनी पवित्र आत्मा मुझसे ना ले ले, दैट विल बी द एंड ऑफ मी। तो ये गहन भावनाओं को चित्रित करती हैं, जबकि अन्य प्रार्थनाएं परमेश्वर के संपूर्ण लोगों की आवश्यकताओं और भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। तो जब भी हम भजन पढ़ें, इसके एक एक शब्द पे गौर करें, उसके फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, उस पे हम गौर करें, फिर भजन संग्रह को का प्रभु यीशु ने भी प्रयोग किया, बट दिस वॉज डियर टू हिज हार्ट। और जब वो प्रार्थना करता था, और इट वॉज सो डियर टू हिज हार्ट कि उसने इसी एक भजन संहिता के भजन को जब प्रभु भोज की स्थापना करी, उस वक्त वो प्रभु भोज की विधि को, फेस्टिवल को मनाया, उस मील को उसने एक नया मतलब दिया, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो एक सॉर्ट ऑफ सेपरेशन था, मतलब एक वक्त तक फसह का पर्व विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने रखा और अब कहा कि तुम अब इससे आगे बढ़ो। अब वो जो फसह का पर्व है, उस फसह का मेमना, अब वो मेमना वो जानवर नहीं, अब फसह का मेमना प्रभु यीशु है, मेरा बेटा। अब वो जो है मेरा मेमना है, नाउ इट टेक्स अ न्यू मीनिंग, नाउ इट टेक्स अ न्यू डायरेक्शन, नाउ इट टेक्स अ न्यू कोर्स। जैसे
आप किसी अगर नहर तो नहीं, नहर तो जो नदी को अगर आप फॉलो कर रहे हो, नदी जहां जहां से जाती है एक नया रूप लेती है। आप यमुनोत्री गंगोत्री अगर आप गए हैं, आपने वो ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स देखे हैं, वहां से भागीरथी दैट रिवर इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं आज के पॉल्यूटेड यमुना के बारे में बात नहीं कर रहा, पर अगर यमुना जो पुराने जमाने की होगी, इट टेक्स अ न्यू कोर्स, एक नया फैलाव और एक नए उसके किनारे पे जो उसका जो लैंडस्केप है समथिंग न्यू। एक जगह पे आप पाओगे कि वहां पर मजार भी बनी हुई है, ताजमहल। एक जगह पे आप पाओगे मथुरा में कि वहां मंदिर बने हुए हैं। इट टेक्स अ न्यू कोर्स, अ न्यू फॉर्म। वही यहां पर है ना, जो फसह का पर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है एक परमेश्वर के लोगों में, इसराइलियों के जीवन में। और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने है ना, समय कम था, दुख का और बहुत बड़ी दुख की घड़ी थी। नाउ ही वॉज गोइंग टू द गेथसेमनी पार्क, गेथसेमनी के बाग में वो जा रहा था। अभी अपर रूम से वो निकला है, वो पोट्री से निकला है जहां पर उसने प्रभु भोज की स्थापना करी। तो वो पहाड़ी से आप नीचे आकर किद्रोन की जो घाटी है, और फिर आप ऊपर जाओ, वहां गेथसेमनी का बाग है। दीज आर ब्यूटिफुल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, यू शुड विजिट इज़राइल। बिल्कुल क्लियर होता है जब ये बातें आप सुनते हैं। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस गीत को, इस भजन को, कौन सा भजन है ये नहीं मालूम, पर भजन गाया, भजन संहिता में से प्रभु ने उपयोग किया। नए नियम के लेखकों ने, नए नियम में आप जगह जगह पे भजन संहिता का कोटेशंस को पाओगे आप। और मसीह कलीसिया के लिए आरंभ ही से ये आराधना की बहुमूल्य पुस्तक बन गया। अब आप देखिए हमारे जो इंतखाबी सबक है, रिस्पॉन्सिव रीडिंग, और जो इबादत की पुकार है, हम इबादत की पुकार के लिए, इबादत की पुकार क्या है, जब आप विश्वासियों को बुलाते हो कि आओ तुम परमेश्वर की इबादत करो, और इसलिए इबादत करो, तो वो जो वर्ड्स हैं वो पास्टर या पासबान अपनी तरफ से नहीं इस्तेमाल करता, करने को कर सकते हैं पर वो नहीं करते, वो भजन संहिता के एक या ऐसी आयतों को पढ़ते हैं जहां पर उन भजनों में लिखा हुआ है, जब ये भजन मंदिर में इस्तेमाल होते थे, कि अब आओ तुम परमेश्वर के भवन में आओ और आराधना करो। और जैसे एक बहुत ही खूबसूरत भजन है, भजन नंबर 100, उसके फाटकों में, तो यू एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग इन योर हार्ट, शुक्रगुजारी के साथ, जान रखो कि तुम उसकी प्रजा हो, उसकी चरागाही की भेड़े हैं। तो आज भी जब हम इबादत की पुकार को हम इस्तेमाल करते हैं, इबादत की पुकार सबसे पहला होता है कॉल टू वर्शिप, एक पुकार है, बुलाहट है। और पुराने जमाने में जहां जहां चर्चेस थे तो उस टाइम पे घड़ियां कम हुआ करती थी, ये तो HMT वगैरह की घड़ियां आना शुरू हो गई, पर आज से 100 साल पहले घड़ियां बहुत ही कम थी। तो शहरों में क्लॉक टावर होती थी, वो शहर के लोगों के लिए कि आप देख लो समय क्या है। फिर क्लॉक टावर के बाद ये रिस्ट वॉचेस बनी, रिस्ट वॉच भी सबके पास नहीं होती थी। मुझे मालूम है आज तक 10वीं क्लास में मुझे पहली बार बोर्ड के एग्जाम के लिए रिस्ट वॉच, वो घड़ी मिली, वो भी पापा की सेकंड हैंड। वो उस घड़ी से बहुत प्यार करते थे, ये नहीं कि वो फेंकना चाहते थे, वो एक बार विदेश गए थे तो सीको कंपनी की घड़ी लेकर आए थे, उन्होंने बहुत पहनी फिर मुझे दी 10th के बोर्ड में, उसके बाद उन्होंने मुझसे वापस नहीं दी। आज तो खैर आज जमाना ऐसा है कि बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, उसमें घड़ी है, और आज तो बहुत बहुत ही फंक्शंस की घड़ियां हैं जो यहाँ पहनते हैं, है ना, वो आपको फोन आ रहा है वो भी बताती है आपका हार्ट रेट, आपने कितने कदम उठाए। खैर एनीवे, तो ये जो पहले के जमाने में जब मिशनरी थे तो जहां जहां उन्होंने चर्चेस बनाए तो घंटा लटकाया, जैसे क्राइस्ट चर्च में है, क्राइस्ट चर्च के पास काफी ईसाई लोग रहते थे,
तो अगर 8 बजे की इबादत है तो 7:30 पहला घंटा एक बार, फिर 7:45 दो बार घंटा, फिर बिल्कुल 8 बजे फिर काफी घंटे बस। दैट वॉज अ कॉल टू वर्शिप कि अब आप लोग आ जाइए दुआ के लिए, दुआ शुरू करें। तो कॉल टू वर्शिप में भजन संहिता इस्तेमाल करते हैं चर्चेस में। इंतखाबी सबक रिस्पॉन्सिव रीडिंग में अक्सर भजन संहिता इस्तेमाल होती है। जैसे बेनेडिक्शन के लिए पास्टर कह सकता है परमेश्वर आपको आशीष दे, पर जैसे आपको बताया था बेनेडिक्शन के जो वर्ड्स हैं वो कलाम के वर्ड्स हैं, कलिमाते बरकात, वो जो कलाम में जो बरकत के जो सेंटेंसेस मिलते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। कई बार हम इस वर्ड को गलत बोलते हैं, बर्खास्त है ना, नहीं बोल पाते कई लोग रोमन, उसको मंबलिंग सी करके बोलते हैं बर्खास्त। लो भाई साहब करेंगे, इट इज कलमात ए बरकात, बरकत ए ब्लेसिंग्स। तो भजन संहिता का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल विश्वासियों के जीवन में, जब तक ये संकलित, ये संग्रह भी नहीं हुआ था, ये मंदिर में इस्तेमाल होता था। फिर जब लोगों ने देखा कि इट इज वेरी यूजफुल टूल टू वर्शिप एंड टू प्रे, तो उसको संग्रह किया। और बहुत सारे भजन थे, उनमें से 150 छाटे गए और 150 छाट कर इनको रखा गया। तो आज के लिए इन भजनों का जो इंट्रोडक्शन है ये काफी है। फिर रूपरेखा, 150 भजनों को 5 संग्रह या पुस्तकों में इस प्रकार विभाजित किया गया है, 1 से 41, 42 से 72, 73 से 89, 90 से 106, 107 से 150। अब पहला भाग आज के लिए जो है 2-3 आयत में देख पाऊंगा अभी, धर्मी और दुष्ट मनुष्य, ये दो भजन जो है ये जुड़े हुए से हैं। पहले दो भजन जो है साम्स 1 और साम्स 2। पहला भजन जो है हमने कई बार पढ़ा है और ये लोगों को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, जो धन्य है और जो खुद अपने आप ही श्रापित हो गए। तो आइए हम इस भजन को पढ़ते हैं और कुछ इन आयतों पर ध्यान देते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन के, इस भजन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे, आमीन। वैसे ये भजन जो 150 भजन है, मेननाइट चर्च है एक, उनके पास, वो कोई इंसानों के लिखे हुए गीत इस्तेमाल नहीं करते, वो ये 150 भजन उन्होंने म्यूजिक में डाले हुए हैं और ये 150 भजन ही वो अपने इबादतों में गाते हैं। तो फिर मुझे भी याद आया, आप इन भजनों में जब हम पढ़ते हैं, अब जैसे एकदम से आप ऊपर पढ़े, एकदम से पढ़ेंगे तो आपको एक आयत दिखेगी जहां पर लिखा है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वचन के मुताबिक चलता है वो सफल नहीं हो पाता संसारिक तौर से। और कई बार हम इस भजन को पढ़ते हैं, हम सोचते हैं संसारिक तौर से हम सफल होंगे। यही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो हमारे अंदर कई बार आ जाती हैं जब इन भजनों को पढ़ते हैं। यहां पर जो बोला गया है सफल होगा मतलब इन ऑल राइटसनेस, वो अपनी धार्मिक बातों में, अपनी धार्मिक प्रवृत्ति में, अपनी धार्मिक नेचर में, अपने धार्मिक डिस्पोजिशन में, अपने धार्मिक व्यवहार में, अपने धार्मिक बातों में वो सफल होगा।
आप दुआ के साथ बाइबल को पढ़ेंगे और आप दुआ करेंगे सच्चे मन से, खोजेंगे, खटखटाएंगे, ढूंढेंगे परमेश्वर की बातों के मतलब को, यू विल बिकम सक्सेसफुल। दुनियावी भी आशीष है कि आप अगर मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो आप सफल होंगे। गॉड विल ब्लेस यू, बट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, ही मे टेस्ट यू ऑल्सो, बट इन दिस रिगार्ड ही विल नॉट टेस्ट यू। धार्मिकता के विषय में वो तुम्हें परखेगा नहीं, हाँ वो तुम्हारी ख्वाहिश को देखेगा कि कितना इच्छुक है, ये कितना मेहनत करता है बाइबल को पढ़ने में, ये कितना खोजी है। खोजी का मतलब, जैसे अभी मैंने एक बाइबल आपको दिखाई थी, डेक्स बाइबल, तो पूरी जमात में से एक फैमिली ने मुझसे उस डेक्स बाइबल के लिए, बल्कि दो ने पूछा, एक ने खरीद भी ली। वो एक डिजायर, एक ख्वाहिश वचन को समझने की, वचन को जानने की, वचन को पढ़ने की। हम हाँ बोल सकते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, मैं बहुत बिजी हूं, मेरा जो बिजनेस है, जो मेरा जॉब है, डजंट परमिट मी टू स्टडी सो मच द वर्ड ऑफ गॉड। नौकरी में समय निकल जाता है, नौकरी में थकान हो जाती है, बिल्कुल जब रात को आओ तो थका थका शरीर, थका मन, थका दिमाग, मैं बैठ के नहीं पढ़ सकता बाइबल को। ओके, हु सेड? मेबी संडे आफ्टरनून यू टेक आउट टाइम, इतवार की दोपहर को आप दो या तीन घंटे निकालो जिसमें आप खोजो। तो ये जो आयत है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होगा, मतलब गॉड विल ब्लेस हिज सर्च, हिज नॉकिंग। इसलिए कई बार हम वचन को पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता, है ना, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करता रहा, मैं सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, आई नेवर बिकेम रिच, मैं कभी अमीर बना ही नहीं, मेरे को कभी अच्छी जॉब मिली नहीं, मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, मेरे को सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। एंड इट्स ट्रू, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे। और कई बार परमेश्वर आपकी मेहनत, आपकी कोशिश पे अपनी सफल, अपने आशीष का भी हाथ रखता है। तो ये जो बात है, इसकी गहराइयों में जाना, भजन की गहराइयों में जाना थोड़ा जरूरी है। जैसे पांचवी आयत, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। अभी कौन सी अदालत है? अगर हम आज के समय में देखें तो दुष्ट लोग ही अदालत में स्थिर रहते हैं। दुष्ट लोग ही, है ना, अपने केस को प्रूव करा के निकल जाते हैं। और जो यहां पर अदालत की बात है, वो परमेश्वर की अदालत है जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, उस अदालत में। ये तो सरफेस में मैंने आपको बताया कि क्या बात की जा रही है, और हम सारी बातों को, जो आत्मिक धर्मशास्त्र की बातें हैं, आत्मिक भजनों की बातें हैं, उनको हम सांसारिक जीवन में अप्लाई करें, जरूर करें, पर उससे ज्यादा हम अपने धार्मिक जीवन, अपने रिलीजियस, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में अप्लाई करें। एंड दे आर 100% ट्रू। तो यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम मांगते नहीं तो तुम्हारे पास है नहीं। अब अगर आप संदर्भ में पढ़ेंगे तो वहां ही इज टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट। पर कई बार हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने सांसारिक जिंदगी में और एक दूसरे को सीख देते हैं कि तुम मांगो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम मांगो उससे तुम्हें मिलेगा। हाँ, सांसारिक चीजें भी हमें मांगनी है, सांसारिक सफलता भी हमें मांगनी है, ईमानदारी के साथ नौकरी करना वो भी मांगना है, ईमानदारी के साथ स्कूल कॉलेज में पास होना वो भी मांगना है। But there the rule of the world also sometimes overcomes. और परमेश्वर हो सकता है कि आपको परखना चाहे, पर इसमें नहीं परखेगा।
अगर आप ईमानदारी के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक भरपूरी मांग रहे हैं, आप विजडम मांग रहे हैं, गॉडली विजडम, परमेश्वर से जो समझ आती है, अगर आप उसको मांग रहे हैं, देयर ही विल नॉट टेस्ट यू एंड फेल यू, ही विल गिव। तो आइए हम इस वचन की जो आयते हैं उनको देखें, और पहली आयत क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, ब्लेस्ड। अब पुरुष सिर्फ मनुष्य मैन ही नहीं है, इट इज इट इंक्लूड्स ऑल। धन्य है वो शख्स, ब्लेस्ड इज द पर्सन, ये एक सही ट्रांसलेशन इसका होगा, क्योंकि आजकल जो पुरुष प्रधान है ना, जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज हैं, तो वहां पर ऐसे ही बोल देते हैं कि हर पुरुष को ध्यान रखना है ना, बट इज ऑल इंक्लूसिव। तो यहां पर जो बात कही जा रही है, स्टार्टिंग है नेगेशन से, कि जो ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। साथ साथ में आगे जब आयतें पढ़ते हैं तो वहां ये भी लिखा है कि जो ऐसा करता है, जो ऐसा करता है, जो ऐसा करता है। तो यहां पर जैसे हम कहते हैं ना, सिंस ऑफ ओमिशन एंड सिंस ऑफ कमीशन, कुछ बातें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल खून ना करना। आप कहें कि मैंने खून नहीं किया, पर सिंस ऑफ ओमिशन कौन से होंगे, कि अगर आपने किसी शख्स को देखा जो ब्लीड कर रहा था, एक्सीडेंट का विक्टिम था आपके सामने ही, उसमें कोई और बात नहीं थी, आप वहां पर रुके नहीं और आपने उस शख्स की मदद नहीं करी, दैट इज सिन ऑफ ओमिशन। बोथ आर सिंस, इक्वल सिंस। आपने अपनी गाड़ी से तो नहीं मारा उसे, यस यू आर अ गुड मैन, यू आर ड्राइविंग सेफ, पर आपने किसी एक एक्सीडेंट विक्टिम को देखा और आपने उसकी मदद नहीं करी, दैट इज अ सिन ऑफ ओमिशन। दोनों तरीके से, तो ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, पर तेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब हम कुछ बातों को लिखते हैं तो इतना समय नहीं होता कि उतना उल्लेख किया जाए, कुछ हमारे कॉमन सेंस पे बातें छोड़ी जाती हैं, और फरीसी लोग इस कॉमन सेंस को इस्तेमाल नहीं करते थे। तू खून ना करना, तू जिना ना करना, डोंट रेप, डोंट कमिट एडल्ट्री, डोंट कमिट मर्डर। तो वो कहते हमने खून नहीं किया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अरे दैट डजंट मीन, मतलब तुमने चाकू नहीं मारा, किसी को बुलेट से नहीं मारा, वो बात नहीं है। इवन इफ यू हैव टॉर्चर्ड दैट पर्सन मेंटली, यू हैव कमिटेड मर्डर इक्वल। कोई तुम्हें कुएं में पड़ा हुआ दिखाई दिया और सबत का दिन था और तुमने उसको नहीं बचाया, इट अमाउंट्स टू मर्डर। कोई जरूरतमंद था और आपके पास देने को था, आपने नहीं दिया, इट अमाउंट्स टू टॉर्चर। मतलब ये कुछ बातें हैं जो सोचने की हैं, और जब इस भजन को पढ़ते हैं, मतलब स्टार्ट ही नेगेशन से शुरू हो रहा है, तू ऐसा ना कर, तू ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। धन्य है वो पुरुष, है ना, तो आगे लिखा हुआ है धन्य वो पुरुष जो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो इट इज डिवाइडिंग ह्यूमैनिटी इंटू टू, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, एंड देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव ऑल दीज थिंग्स। तो यहां पर जो लिखा है, यहां पर तीन, पहली जो आयत है उसमें तीन भागों में उन इंसानों को डिवाइड किया है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पोजीशंस बताई गई हैं, चलता,
खड़ा होता और बैठता। वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, he doesn't walk, he doesn't stand and he doesn't sit। ये प्रोग्रेशन है हमारे पाप के जीवन का। और कहा गया है कि जो ऐसा नहीं है वो धन्य है। फिर आगे इसको और समझाया गया है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। चलने का मतलब वॉक। और बाइबल में जब आप वॉक पढ़ते हैं तो वॉक का मतलब है वे ऑफ लाइफ, आपके जीवन की शैली, जीवन का तरीका। जैसे हम में से हर एक की वॉकिंग का एक स्टाइल है। अगर आप पीछे से किसी को देखें जाते हुए, आप एकदम पहचान लेंगे कि वो जा रहा है, उसकी चाल ऐसी है। आप मेरे को भी देखकर पीछे से पहचान सकते हैं कि ये तो वो ये जा रहे हैं। मैं भी पहचान सकता हूं कि अरे ये तो वो जा रहा है जिससे हम ज्यादा, दैट इज ए स्टाइल ऑफ वॉकिंग। तो यहां पर जो है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब उसने अपना जो वे ऑफ लाइफ है, अपना जो जीवन शैली है, अपना जो जीवन का तरीका है, उसने ऐसा नहीं बनाया जैसे दुष्टों का है, जैसे दुष्टों के सिद्धांत हैं, दुष्टों के प्लान्स होते हैं, दुष्टों की एडवाइसेस होती हैं। मतलब संसार में आप हर किस्म के लोग पाओगे। कई लोग जो दुष्ट हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से रहित हैं। दुष्ट वो है जो परमेश्वर से, ईविल इंग्लिश में है ईविल, वन हु इज विदाउट गॉड। कई ऐसे जीवन है जिसमें परमेश्वर का कोई स्थान नहीं, परमेश्वर का कोई भय नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई दुआ बंदगी नहीं, कोई उसके वचन को पढ़ना नहीं। मतलब गॉड इज टोटली आउट ऑफ देयर लाइव्स, ईविल। और ये प्रकाशित वाक्य में है ना, इसको देखा था हमने, दैट देयर इज गॉड एंड देयर इज ईविल। अभी बाय द वे मैं आपको एक बता रहा हूं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है या यूट्यूब पे आप मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे या कोई और जो साधन आपके पास है, उसमें एक मूवी देखिएगा डेविल। अभी रीसेंट मूवी है डेविल, और वो पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय की शायद 8वीं आयत से शुरू होती है कि जो ईविल है, जो बुरा है, जो दुष्ट है, वो पूरे संसार में घूमता फिरता रहता है और ऐसे लोगों को दबोचने की ख्वाहिश में रहता है जो कमजोर है। जैसे भी कोरोना वायरस के लिए मैं कुछ लोगों को समझा रहा था, जब आप डिस्कवरी चैनल पे देखें या यूट्यूब पे देखें कि जो चीता है या जो शेर है कैसे शिकार करता है, उसके सामने हिरन का झुंड खड़ा रहेगा, भैंसों का झुंड खड़ा रहेगा, और वो पहले बैठा रहता है, देखता रहता है कि इनमें से कमजोर कौन है, कौन सा लंगड़ा है, कौन सा पीछे रह गया, कौन सा बच्चा है, कौन सा घायल है, और उसी को वो आइसोलेट करके, वो स्पॉट करके उसी पे जंप करता है। वही पहला पत्रस में पत्रस इस बात को समझाना चाह रहा है, द डेविल द ईविल इज वेटिंग, इज वेटिंग इन योर वे। और जो शख्स उस राह पर चलता है और उसकी दबोचने में आ जाता है दुष्ट के, वो धन्य नहीं है, वो ब्लेसड नहीं है, वो आशीषित नहीं है। और यहां पर जो धन्य, जब इब्रानी भाषा में हम पढ़ते हैं धन्य, यहां पर सिर्फ एक चीज, एक ब्लेसिंग नहीं है, इट इज मेनी ब्लेसिंग्स। He is not blessed, वो आशीषित नहीं है, उसके पास परमेश्वर की आशीषें नहीं है, He doesn't have God's blessings। और वो कौन है, वो शख्स जो दुष्टों की युक्ति पर चलता है। दुष्ट कौन?
ईवल। ईवल कौन? जिसके भीतर या जिसके आसपास मीलों दूर परमेश्वर नहीं, अंधकार, टोटली डार्क। वो उनकी सलाहें लेता है, उनके तौर तरीके इस्तेमाल करता है, उनके सिद्धांतों को इस्तेमाल करता है, उनकी योजनाओं को अपना लेता है, उनकी सलाहों को मान लेता है, उनसे कंसल्ट करता है, उनसे सलाह मशवरा करता है और उनकी स्कीम्स को वो फॉलो करता है। तो ऐसा शख्स फॉर द टाइम बीइंग उसे लगेगा कि मजा आ गया या अच्छा मेरे पास है ना, धन दौलत या फेम फॉर्चून मेरे पास आ गया, बट इट विल नॉट लास्ट। तो याकूब की पत्री में लिखा है कि अच्छा जो गिफ्ट है, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम गॉड, ऊपर से आता है। एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम गॉड। और दुष्ट सोचता है कि आई विल मेक माई ओन गुड। तो यहां पर जो बोला गया है कि धन्य है वो इंसान जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दूसरा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। अगर आप एक तो चल रहा है और दूसरा पोजीशन हमारा है खड़ा होना, खड़े होने का मतलब है थोड़ा सा आजमाइश आई, आजमाइश आ गई। जैसे कभी आप अगर मेलों में जाएं, फेट्स में जाएं, हमारे चर्च का नहीं, जो बाहर का फेट होते हैं, जो मेले लगते हैं, मेला, वहां पर गैम्बलिंग भी होती है ना, वो गैम्बलिंग होती है जिसमें आप वो बोलता रहेगा एक का दस, एक का दस, मतलब आप एक रुपया लगाओगे आपको 10 रुपया मिलेगा अगर आप जीत गए। वो ताश के पत्ते होते हैं 3, उसमें से 2 राजा एक रानी होती है, तो वो कहता है कि रानी को ढूंढो उसमें से। वो 3 पत्तों को ऐसा घुमाएगा आपके सामने कि आपको पता नहीं पड़ेगा उसकी हाथ की सफाई। और कई कटोरियां होती हैं, 3 कटोरी या 4 कटोरी, उसमें एक में बॉल होती है, वो उसको कटोरियों को ऐसे घुमाता है, फिर पूछेगा आपसे अब बताओ किसमें बॉल है। अगर आप जीत गए तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा, अगर आप हार गए तो आप मुझे 1 रुपया दोगे। एक दो बार तो आप जीतेंगे, उसके बाद आप हारना शुरू होंगे। ये गैम्बलिंग का, दिस इज अ, ये तो एक प्रैक्टिस है। तो गैम्बलिंग लोग अपने स्टेशन क्यों लगाएंगे, दुकानें क्यों नहीं बनाएंगे, कैसिनोज क्यों बनाएंगे अगर वो लॉस में जाएंगे तो? पहले 2-3 बार में आप जीतोगे, आपका मोर वो होता ना, एक आई एम विनिंग। पर जैसे जैसे आप उसको जीतते हो, आप उसके साथ आप जुड़ते चले गए, आपका जो जो इन्वॉल्वमेंट था और गहरा होता चला गया, एंड देन यू आर फिक्स्ड। फिर जब आप आखिरी बार वहां से उठ के आओगे, आप खाली जेब आओगे। यू कैनॉट विन, यू आर नॉट मेंट टू विन। That casino is not meant for you to win and to make you rich. ये हमारी जिंदगी में होता है। Even I, मैंने भी एक बार ऐसे ही लॉटरी में है ना, जब बहुत छोटा था मैं, 9th 10th होगा, 8th होगा, 8th क्लास, उसमें वो पर्ची निकालता था। 2 खेल रहे थे, मैं खड़ा होकर देख लगा। I was walking, जा रहा था मैं वहां खड़ा होकर देख लगा। धीरे धीरे अट्रैक्शन हुआ, धीरे धीरे फिर मैं बैठ गया। पहले खड़ा हुआ, फिर वहां बैठ गया। खड़ा हुआ तो जो 2 खेल रहे थे उसमें से एक ने कहा, ये इनकी तरफ से, इस भैया की तरफ से, पता नहीं क्या बोला, इनकी तरफ से। तो देखा वो जीत गया। अब जीत के उसने जेब में अपने पैसे रख लिए, मुझे नहीं दिए। फिर मैं बैठा, मैंने कहा ये तो पैसे मुझे देने था, मेरे नाम से खेले जा रहा, जीते जा रहा, पता नहीं शायद आज मेरा गुड लक है। फिर मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, वो लगाए, उस टाइम पर 15-20 रुपए होते थे। धीरे धीरे करके आखिरी में जब मैं उठा, खाली जेब। पहले 2-3 बार जिताया, फिर हराया। वही बात यहां पर है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। He doesn't stop even. वो उस बात को आने ही नहीं देता। He doesn't stop even. आज भी sometimes हमारे मन में कुछ बात आ जाती है, जब तक हम उस बात को पूरा ना कर लें, the temptation is there,
who does not stand. मतलब ये शख्स जो है ये और फिक्स हो गया. पहले तो वो सलाह लिया करता था ना दुष्टों की राहों पर, मतलब उसने जो अपना स्टाइल था वो बनाया था, पर वो परमानेंट सा नहीं हुआ था. अब ये यहाँ पर खड़ा हो गया है, वो खड़ा हो गया है और वहां पर अब उसके पास, उसके आसपास बहुत खतरा है. और यहाँ जो लिखा है वर्ड दुष्ट नहीं है, पापी है. और पापी वर्ड जो इब्रानी में है जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसका जो मतलब है वन हु मिसेज द मार्क, जो निशाने से चूक जाता है. जैसे परमेश्वर ने एक निशाना दिया कि तुम्हें ये करना है और आप उससे चूक गए, दैट इज सिन, वो पाप है. और ऐसे लोग जो निशाने से चूकते रहे, आप उनसे अगर अट्रैक्ट हो जाएं तो आप भी निशाने से चूकेंगे. आप उनके तरीके से आप अपनी बंदूक को चलाएंगे, अपने जीवन को चलाएंगे, अपनी बातों को चलाएंगे, अपने दिमाग को चलाएंगे, अपने किसी जीवन के किसी पहलू को चलाएंगे. यू विल लूज द मार्क. तो यहां पर वो बोला गया है पापियों को कि वो पापी की मार्ग में खड़ा होता है और धन्य है वो जो उनके मार्ग में खड़ा भी नहीं होता, जो चलता नहीं, जो खड़ा नहीं होता. और तीसरी आयत है, तीसरा भाग है पहली आयत का, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है. ठट्टा करने वाले कौन? वो नहीं जो हंसी मजाक करते हैं. हंसी मजाक भी हमारे लिए जरूरी है, हम भी पसंद करते हैं ना. मतलब मैं भी पसंद करता हूं जोक्स को सुनना. रेडियो पर आता ना वो बउआ, सुना होगा आप लोगों ने, वो आरजे नावेद और ऐसे बहुत सारे वो रेडियो जॉकीज हैं. मतलब मेरी मदर थी, हम जब कार में जाते थे बाय चांस वो आ गया तो कहती थी बेटा तेज कर वॉल्यूम को. बउआ जब आता था उनको भी अच्छा लगता था, चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, एक लाइट, जीवन का एक लाइटर साइड, सबको अच्छा लगता है. कुछ लोग पोज कर सकते हैं कि नो आई डोंट लाइक, गंभीर टाइप के, लीव देम, छोड़ दो उनको. पर जो यहाँ पर ठट्टा करने वालों की बात है, ये वो मंडली नहीं है जो क्या कहते हैं उसे, जो हास्य कवि होते हैं ना बहुत सारे, या स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं. ये वो मंडली की बात नहीं कर रहा है, ये वो लोगों की बात कर रहा है जो परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं कि देयर इज नो गॉड. कि देखो मैंने ये कर दिया, परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो ऐसा करेगा उसके साथ ऐसा होगा. कहां हुआ मेरे साथ, कहां हुआ मेरा नुकसान, कहां हुआ मेरे जीवन की हानि. देखो मैं तो धन दौलत में और बढ़ गया, आई हैव बिकम मोर रिच. मैंने अपनी स्कीमिंग और प्लानिंग करी जो दुष्ट की थी, आई हैव बिकम मोर रिच. और कई बार हम भी ऐसे लोगों को देखकर ना टेम्प्ट हो जाते हैं, यार ये सक्सेसफुल है ऐसा ही करना चाहिए जैसे ये करता है. तो यहां पर लिखा है कि और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है. नाउ सी द प्रोग्रेशन, चलना, खड़े होना. चलना मतलब यू आर पासिंग बाय, खड़े होना यू आर स्टैंडिंग एट वन पोजिशन एंड देन यू सिट. पसर गए वहां पर कि अब मैं तो बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, और अपने जीवन से, अपने जीवन शैली से, अपने जीवन की बातों से परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाना, परमेश्वर के हुक्मों को ठट्टों में उड़ाना. जैसे हम जो बड़े हैं, अगर हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे पढ़ाई करो, और ऐसे ये काम मत किया करो, ये किया करो, अगर आपका बच्चा उस बात को ना सुने, या आपके घर का छोटा शख्स या आपका बराबर का शख्स उस बात को ना सुने, तो उसने क्या किया? आप तो कहोगे आपने मजाक में ले लिया मुझे, यू आर टेकिंग मी सो लाइटली, आप तो मेरी बातों को मजाक में लेते हो. कई बार आप सीरियसली किसी से बात कर रहे हो तो आप बोलते नहीं है क्या, आप बहुत मजाक करते हो, आप मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो, हल्के तौर पर ले रहे हो. कई लोगों ने मुझे सलाहें दी कि जब आप फ्यूनरल के लिए जाते हैं ना, भाई साहब कोरोना वायरस का पेशेंट है, आप पीपीई किट पहन के जाओ, आप ग्लव्स और मास्क पहन के जाओ. अब उनके साथ भरी गर्मी में कहां पर फ्यूनरल हो सकता है?
और जो मर गया है वो तो मर गया है, वायरस उसी के अंदर ही रह गया है, जो भी बातें हैं। और कई लोगों ने कहा भाई साहब आप तो बहुत हल्के बातों में है ना, मतलब मेरी सलाहों को आप हल्के तौर पर मजाक में लेते हैं। हम एक दूसरे की बातों को मजाक में ले नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की बातों को भी मजाक में ले लेते हैं। We take God and His word lightly. We take His rules of life lightly. मजाक करते हैं और उस मजाक से हमारा ही नुकसान है। तो ये तीन बातें बस इसको बोल के मैं खत्म करता हूं, वापस रिपीट करता हूं। धन्य है वह पुरुष जो ऐसा नहीं करता। कल हम देखेंगे जो ऐसा करता है वो भी धन्य कहा गया। कौन कौन है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलती, देन वॉक दुष्टों की युक्ति पर। और दुष्ट कौन? जो अनगॉडली है, जिनके जीवन में परमेश्वर है ही नहीं, वो खड़ा नहीं होता। कहां पर नहीं खड़ा होता? उनके मार्ग में जो जो सिनर्स हैं, जो पापी हैं। पापी कौन? जो मार्ग को एक टारगेट दिया गया उसको मिस कर जाते हैं। परमेश्वर ने एक गोल दिया है, एक मिशन दिया है, उसको मिस कर जाते हैं। परमेश्वर ने हमें सिर्जा एक पर्पस के साथ, एक मीनिंग के साथ, हमारी हरेक की जो सृष्टि है विद सम सर्टन अमाउंट ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। हम हरेक का जो सृष्टि में है, जैसे आम के पेड़ का क्या मकसद है? आम पैदा करना। पपीते का क्या है? पपीता पैदा करना। सेब का क्या है? सेब का फल पैदा करना। वैसे ही हर इंसान जो हम लोग हैं फर्क है, इसलिए फर्क है कि हम अपने गिफ्ट्स के मुताबिक, अपने जो परमेश्वर की योजना है उसके मुताबिक हम फल लाएं। और पॉल ने भी इसको बाखूबी समझाया है कलीसिया में, कि कलीसिया में कलीसिया कैसा है? देह के समान। एक छोटी उंगली है, एक बीच की है, एक बड़ी है, एक छोटी, एक अंगूठा है, आंख है, नाक है और मुंह है, होठ है, जुबान है, कान है, दांत है, फिर ये पाइप है या दो तीन नलियां गई हुई हैं, फिर फेफड़े हैं, दिल। एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट फंक्शन। और अभी ये कोरोना वायरस के टाइम पे लंग्स को इतना हमने समझा है, लंग्स की अहमियत को समझा है, हालांकि दिखते नहीं है, बट वी हैव अंडरस्टूड दैट द इनर ऑर्गन, द ऑर्गन्स स्ट्रेंथ, ऑर्गन्स हेल्थ इज अ पर्सन्स हेल्थ। आप भले ही बाहर से बहुत बड़े हो सकते हैं, बट इफ योर ऑर्गन्स स्टार्ट फेलिंग, छोटा सा लंग अगर, और लंग्स का जो 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 हिस्सा है बॉडी में, है ना, हमने कई लोगों ने सीखा इंपॉर्टेंस ऑफ लंग्स इन आवर लाइव्स। सो वन हु मिसेस द मार्क, परमेश्वर ने आपको एक टास्क दिया, एक मीनिंग दी, एक पर्पस दिया, आपको एक पर्टिकुलर जगह पे रखा, एक समय पर रखा, एक परिवार में रखा, एक जॉब दी आपको, एक कलीसिया दी, जो भी आपको, एक रिश्ता दिया, जो भी आपको दोस्त दिए, जो भी आपको, वेर एवर ही हैज प्लांटेड यू, वेर एवर। क्योंकि आगे हम इसी भजन में पढ़ेंगे कि मुबारक है वो शख्स, और उनकी जो तस्वीर दिखाई गई है उस शख्स के समान है जो बहती नालियों के पास लगाए गए हैं, मतलब पर्पसली प्लांटेड। ऐसे नहीं झाड़ झंकार अपने आप उग गए, यू हैव बीन पर्पसली प्लांटेड। एंड इफ यू मिस दैट मार्क, इट इज सिन। आपकी बुलाहट, सबसे पहली बुलाहट है टू बी अ क्रिश्चियन, फिर दूसरी बुलाहट है टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी आपने ली तो परमेश्वर की बुलाहट भी है कि सेवा का काम करो। अब आपने अपने आप चुना कि मैं पास्टर बनूंगा, मैं मिशनरी बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं नर्स बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, एनी थिंग यू वॉन्ट टू बिकम, यू सी योर सेल्फ एंड यू वॉन्ट टू बिकम, एंड गॉड हैज मेड यू टू बी दैट। और यही सिर्फ काम नहीं है, काम सफाई के भी हैं, सफाई कर्मचारी, काम वेस्ट डिस्पोजल के हैं, काम आया के हैं, काम बहुत सारे हैं, ऑफिस के काम हैं, जो क्लर्क, जो लिखने के काम होते हैं, अकाउंटेंसी के काम है। सो गॉड हैज गिवन यू अ लाइफ। फिर वो बैठता भी नहीं है ठट्टा करने वालों की मंडली में, और ठट्टा वो जो परमेश्वर को मजाक में उड़ाते हैं, परमेश्वर को कुछ, परमेश्वर की बातों को महत्व नहीं देते। तो ये
पहली आयत है, धन्य है वो, है ना, ब्लेस्ड इज दैट मैन, आशीषित है वो शख्स। और ऐसे शख्स जैसे कहते हैं ना, हजारों में एक, लाखों में एक, तो वही इब्रानी भाषा में यहाँ जो धन्य वर्ड है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि ब्लेस्ड इज ही, धन्य है वो, मुबारक है वो, आशीषित है वो, लाखों में एक वो शख्स है जो ये काम नहीं करता। कल हम देखेंगे कि अगर वो ये नहीं करता तो वो क्या करता है। He has to do something. He has to be active in life. He has to be a fruitful tree. नहीं तो फिर वो सिर्फ जगह घेरने वाला एक पेड़ हो जाएगा अगर फल नहीं निकल रहा। He has to be fruitful. So tomorrow we will concentrate on that. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपको इस धन्य इंसान की कैटेगरी में लेकर आए कि आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसी राहों पे नहीं चलते, आप ऐसी जगहों पे नहीं खड़े होते, आप ऐसों के बीच में बैठ नहीं जाते, पसर नहीं जाते। वो लोग जो दुष्ट है, टोटली अनगॉडली, एंड दोज हु आर सिनर्स, दोज हु आर मिसिंग द मार्क, एंड थर्ड दोज हु आर इविल, दोज हु टेक गॉड लाइटली, परमेश्वर को बिल्कुल ठट्टू में उड़ा देते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस भजन के लिए, इस भजन के इस आयत के लिए और इस बात को हमें बताने और समझाने के लिए कि ऐसा हमें अपने जीवन में नहीं करना ताकि हम आशीषित हो सकें। ये बातें ध्यान रहे खुदावन, और ये बातें हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बैठ जाएं, और ना हम ऐसे मार्गों में चलें, ना हम ऐसे जगहों पर खड़े हों, और ना हम ऐसी जगहों पर बैठ जाएं, अपनी जिंदगी बना लें जहां पर खुदावंद तेरी इच्छा नहीं। जो लोग दुष्ट हैं, जो लोग पापी हैं, जो लोग ठट्टा करने वाले हैं, और ना सिर्फ लोग बल्कि समय और वो जगहें भी, जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, जो मजाक उड़ाने वाली हैं, खुदावंद तेरा हम उन जगहों पर, उन लोगों के बीच में, उन बातों के बीच में हम कभी ना पाए जाएं, हमारी मदद करना। इस प्रार्थना को हम तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर, आमीन। रेवरेंड संदीप, भवन का शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए। इबादत के अंत में हम लोग गीत गाएंगे और मिस्टर मनोरंजन साहब गीत में हमें लीड करेंगे। दिल के दांतों तोरे को लहू चुकी क्रूस से जारी, मेरे मस्तों तोरे को लहू चुकी क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूल दाम दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर लहू चुकी क्रूस से जारी, मेरे मस्का शाही है लहू चुकी क्रूस से जारी, माफी को काफी है लहू चुकी क्रूस से जारी, ओ चश्मा है मामूल दिल के करता दूर है मुझको दिल मंसूर लहू चुकी क्रूस से जारी, वो है मेरे कर्ज का दाम लहू चुकी क्रूस से जारी, वो है मेरा खासी नाम लहू चुकी क्रूस से जारी, ओ चश्मा पे मामूल दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर लहू चुकी क्रूस से जारी, मेरी वो उम्मीद है खास लहू चुकी क्रूस से जारी, रास्ते का है
चश्मा हे माहौल दिल के करता तू है मुझको दिल मंजूर लहू जो कि तुझसे जारी करता हूं भाई साहब से को लास्ट दुआ में हमें लीड करें और आज के वचन के साथ आज की इबादत से हमें रुखसत करें। दुआ करें। खुदावंत तेरे शुक्रगुजार हैं इस आज के दिन के लिए, आज की जिंदगी के लिए, और दुआ करते हैं कि जो आज का दिन और आने वाला हफ्ता है खुदावंत, हमारा पूरा जीवन तेरी इबादत और तेरी खिदमत में गुजार सके और खुदावंद उन राहों पर चलें, खड़े हों, बैठें, ठहरें, जो तुझे पसंद है। जितने आज जुड़े हुए हैं खुदावंद इस दुआ में इबादत में, सभी को तू बरकत देना, इनके खानदानों को बरकत देना। उनके लिए खास तौर से दुआ करते हैं जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, जो परेशान हैं, जो तंग हाली में हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं कि तू उन सब का रहनुमा होना, उन सब का मददगार होना, और जो हमसे बन पड़े खुदावंद हम उनके लिए करें। हर एक बात के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं और हर बात के लिए खुदावंद तुझसे दुआ मांगते हैं, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी जमायत के लिए, जूम ऐप की इन मीटिंग्स के लिए और चर्च की रीओपनिंग के लिए, सब बातों के लिए खुदावंद हमारी दुआ तुझसे है कि तू हमारी मदद और हमारी अगुवाई करना। इस दुआ को, इस शुक्रगुजारी को हम तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल।